होली में स्पेशल पकवान क्या है, जैसे कि मालपुए, ठंडाई, दही बड़ा, गुजिया, नमकीन, ये सारी चीजें लोग होली पर बनाते हैं। उसी से रिलेटेड दही बड़ा आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ दही बड़ा। घर में बनाइए और होली स्पेशल बनाइए। न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहले आए। तो ये मैं उड़द की दाल ली हूँ, 1 बॉल। आप उड़द की दाल भी ले सकते हैं। और इसे 12-13 घंटे रात भर मैं ये देखिए भिगा कर रख दी थी। अब चलिए इसको 2-3 पानी से धो करके ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड कर लेते हैं कम से कम 5 मिनट, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, थिक हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैं ग्राइंड कर ली हूँ। अब चलिए इसको हम फेटेंगे। और जितनी भी रेसिपी मैं आपको नाम बोली हूँ वो सारे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा कुकिंग टाइम। तो इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाली हूँ, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च के पाउडर डाली हूँ और 1 एसेंस बेकिंग सोडा। इसको 1 बे मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि यह पानी में तैरने ना लगे इसका बेटर। आप उल्टा घुमाकर इसे बेटर कीजिए या फिर सीधा, जिस तरह से भी आपको करना है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा बेटर तैयार हुआ कि नहीं। जब बेटर पानी पर तैरने लगे तो आप समझ जाइए जो बेटर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं पानी पर किस तरह से तैरने लगा है। जितने अच्छे से ये तैरेगा उतना अच्छा आपका दही बड़ा जालीदार बनेगा। तो चलिए अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं ब्राउन। गैस पे मैं पहले ही तेल गरम करने के लिए रख दी थी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से गोल आकार में बनाइए, मेरे थोड़े से लंबे हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैं सारा बैटर डाल दी हूँ और इसे हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो 1 साइड फ्राई हो चुका है, तो चलिए अब इसको पलट देते हैं। इसी तरह से सारे को पलट देंगे और ब्राउन इसी तरह सेक लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, रिलेटिव को, ताकि वह भी हमारे रेसिपी का लाभ उठा सके। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और आप भी होली में मेरी तरह बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं 1 साइड में पानी भी गर्म कर ली हूँ और ये देखिए फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं एक टिश्यू पेपर पे, ताकि इसका वेस्ट जो ऑयल है वो बाहर हो जाए, सोख ले। उसी तरह से अगेन बना लेंगे इस तरह से गोल आकार में। तो आप देख सकते हैं मेरे फ्राई हो गए हैं दूसरे बार भी। अब चलिए इसको वाटर में डाल देते हैं, जो मैं गरम करके वाटर ली थी। वाटर में कम से कम आधा घंटा जरूर रखिए, ताकि वो जालीदार और सॉफ्ट बने। तो चलिए जब तक आधा घंटा होता है तब तक हम दही का बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 बाउल मैं दही ली हूँ और 1 चम्मच शुगर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए आप, अपने मेंबर के हिसाब से दही और शुगर लीजिए। तो चलिए आधा घंटा हो चुका है। दही बड़े को वाटर से इस तरह से निचोड़ कर निकालेंगे, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपके टूट जाएंगे वड़ा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से डेकोरेट कर लीजिए। पहले दही डाल दीजिए, फिर इमली की चटनी डालिए और इसके ऊपर आप डालिए सेवैयाँ। तो ये मैं नमकीन सेवैयाँ डाल देती हूँ और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा मसाले। ये मैं खट्टा मीठा मसाले डाली हूँ, जीरा, अजवाइन और काली मिर्च का। तो आपका दही बड़ा तैयार हो गया। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, अपना फीडबैक लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाय बाय, थैंक यू।